बजरंग दल ने किया कार सेवकों का सम्मान। अयोध्या में 3 दशक पूर्व विवादित ढांचे को गिराने में कार सेवा करने वाले देश भर के हजारों कार सेवक उस समय उत्साह से झूम उठे जब राम मंदिर भूमि का पूजन शुरू हुआ। इसी खुशी को अपने स्तर से जाहिर करने के उद्देश्य से मुरादाबाद में भी बजरंग दल ने एक हवन कराकर सुख शांति की कामना की और कार सेवकों का सम्मान करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरित किए। अयोध्या में आयोजित राम मंदिर के भूमि पूजन में आज शामिल प्रधानमंत्री मोदी और विभिन्न हिंदू संगठनों से जुड़े महाअनुभवों की उपस्थिति से देश और विदेश में श्री राम के जयकारे गूंजने लगे। जहां अयोध्या में बड़ा मांगलिक कार्य चल रहा था, वहीं मुरादाबाद में भी अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी हवन कराते हुए बड़े आयोजन का कार्यक्रम रखा। मुरादाबाद के गोविंद नगर के संकट मोचन पार्क में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शामिल होने के लिए संघ से जुड़े कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपने पुराने अनुभव साझा करते हुए उस समय झेली गई परेशानियों के बारे में विस्तार से बताया। बजरंग दल ने आज ऐसे कार सेवकों का भी सम्मान किया जिन्होंने अयोध्या में मौजूद विवादित ढांचे को गिराने में अपनी भूमिका निभाई थी। ऐसा लगता नहीं था कि हम लोग जेल में एकदम बंद हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तो आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ, यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसमें आपको भेज देता हूँ। वहाँ में भेजा तो पता चला कि हॉस्पिटल कैसा होता है, तो वहाँ इतने खटमल थे, रात रात नींद नहीं आती थी, भयंकर वो बुरा हाल था उसके 10-15 दिन के बाद में। और एक रामपुर जिले के और कुछ कार सेवक वहाँ पर पहुँच गए, पीलीभीत से लगभग 1000 के आसपास कार सेवक वहाँ पर आए। हम सब लोग वहाँ बहुत मौज मस्ती से रहते थे, गाते बजाते रहते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक महाराज जी हमारे साथ में थे, जेल में क्रांति वेजी महाराज संभल के रहने वाले थे, आर्य समाज के सन्यासी थे। तो उन्होंने जेल साहब से कहा कि हम खाली बैठे रहते हैं, हम यज्ञ करते हैं, हम चाहते हैं आगे जेल जो कैदी हैं उनके लिए हम लोग योग सिखाएं, योग आसन करके ये लोग सद्बुद्धि इनको आएगी और ये सब सुधर जाएंगे। जनरल साहब ने कहा साहब बहुत बहुत इस प्रकार के लोग हैं, आप इनको क्यों सिखाना चाहते हो? उन्होंने नहीं, आप हम मौका दीजिए, देखिए कितना परिवर्तन आएगा। उसके बाद जैसे ही हमने हमारे महाराज जी ने और योग कराना सिखाया, ऐसे तमाम लोगों ने पत्थरबाजी हमारे महाराज जी पर कर दी। जेल में एकदम पगड़ी जो होती है, पगड़ी बजती है जिसको घंटी कहते हैं, उसको पगड़ी नाम दिया गया। तो उन्होंने घंटी बजाई और उसके बाद लाठी चार्ज करा करके सबको वैरगोह बंद कर दिया। ऐसे दीपावली का समय आ गया, तो दीपावली के समय पर हमें ऐसा लगता था कि अब दीपावली पर है, यहाँ क्या कार्यक्रम होगा, लेकिन एक पीलीभीत के पंडित जी इतने विद्वान थे, उन्होंने बहुत बढ़िया करके सारे कार से इकट्ठा करके और वहाँ पर दीपावली का पूजन कराया, बहुत आनंद आया। किस तरह से